Today in this video we are discussing two sample problems. These are given in NCERT as well. They are from magnetism, also called magnetic effects of electric current. It's a part of physics class 11, right? So these two problems I have chosen. These are from NCERT, but in Lakhmir also they are given on page number 88. बेटा ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं इनमें डायरेक्शन बड़े अच्छे से समझनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं डायरेक्शन का फंडा बता दूं। हमेशा ये सोच के चलो, कई बच्चे सोचते हैं जैसे मेरा फेस इस तरफ है तो ये नॉर्थ हो गई, अगर मेरा फेस ये रहा तो ये नॉर्थ हो गई, अगर ऐसे है तो ये नॉर्थ होगी। ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। हमेशा इंडिया का मैप आप सभी को पता है, ये सोचो आप मध्य प्रदेश में खड़े हो और हिमालयस की साइड नॉर्थ है और आपके बैक साइड पे साउथ इंडिया है तो ये साउथ है, बंगाल इज ऑन ईस्ट साइड एंड मुंबई इज ऑन वेस्ट साइड, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। वैसे ये जो रूम है, इस रूम का ये नॉर्थ है, ये मेरे नॉर्थ के राइट हैंड पे ये ईस्ट है। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं राइट हैंडर हूँ तो मेरे राइट हैंड पे ईस्ट है और मेरे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है और मेरे बैक पर साउथ है, ठीक है ना। तो इस रूम का हमें पता, हमें रूम का फंडा पता होना चाहिए जिस रूम में बैठ के हम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ए ऑप्शन इज टूवर्ड्स साउथ, बी ऑप्शन इज टूवर्ड्स ईस्ट, सी ऑप्शन इज डाउनवर्ड और डी ऑप्शन इज अपवर्ड। तो मैं मतलब समझा देता हूँ। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज वैसे 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, होता है इसके चार्ज की वैल्यू डबल एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वेस्ट की तरफ कर रहा है, इस रूम का वेस्ट वो मेरे राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। मतलब मेरे अगर मैं ऐसे कराऊँ तो ये वाला वेस्ट है इस रूम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वेस्ट के टूवर्ड्स मूव कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब डिफ्लेक्शन नॉर्थ साइड में है तो मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ साइड में हो जाएगा, राइट। तो हमें ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। सबसे पहले एक बात समझिए कि जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो करंट भी हमारा वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और करंट की डायरेक्शन सेम होती है और अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रॉन और करंट की भी आपको पता है डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है बैटरी के और करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो जरा डायरेक्शन से समझते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन वेस्ट है। तो बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगना है। अभी ये करंट सेंटर फिंगर, आप सभी को पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इफ ऑल द थ्री थंब फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट। ये ऐसे एंड होता है फादर मदर चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स या मोशन की डायरेक्शन थंब देता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है और सेंटर फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन देती है। दोनों ही क्वेश्चन में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है। अब हमने एक चीज़ जान ली कि अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ है तो करंट भी वेस्ट की तरफ है, तो ये करंट हो गया वेस्ट की तरफ इस फिगर से, ठीक है ना। मैं इसे नॉर्थ की तरफ फेस के करके खड़ा हूँ तो करंट जो है वो वेस्ट की तरफ है लेकिन डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स देखो कहाँ पर है, मैग्नेटिक फोर्स देख लो, ये राइट साइड ये नॉर्थ है, मैंने पहले ही बता दिया था इस रूम का। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, राइट। तो ये आप खुद ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो, लगा के देखो, सेंटर फिंगर को कर दो, करंट की डायरेक्शन को कर दो किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है, और थंब को कर दो जहाँ डिफ्लेक्शन है नॉर्थ की तरफ। तो ये देखो ऊपर जा रही है ना फोर फिंगर है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अपवर्ड होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी पार्ट करेक्ट है, राइट। इसके बाद बात करेंगे सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 की। थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद बोथ योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब ये क्वेश्चन समझो, मान लो ये एक चैम्बर है, ये एक रूम है, एक चैम्बर है, इसमें आप बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन बीम कैसे ट्रैवल कर रही है,
हमारी बैक वॉल से, ये मेरी बैक से फ्रंट की तरफ आ रही है, बैक वॉल से फ्रंट की तरफ आ रही है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो करंट कहाँ से कहाँ आएगा, वो फ्रंट से बैक की तरफ आएगा, मतलब करंट टूवर्ड्स मी। तो देखिए ये फोर फिंगर को मैंने अपनी तरफ कर दिया, ठीक है ना, फोर फिंगर मेरी तरफ है। आगे बढ़िए, इसके बाद दिया इट इज रिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। देखिए करंट मेरी तरफ है, सेंटर फिंगर ये वाली मेरी तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था बेटा, मेरे पीछे से आगे की तरफ आ रहा था, तो करंट आएगा आगे से मेरे सामने की तरफ आएगा, आगे से पीछे जाएगा, राइट। तो करंट सेंटर फिंगर आपकी तरफ है। अब इसको पुश दे दो राइट साइड पे, किसको, मैग्नेटिक फोर्स को, यानी कि थंब को। तो देखो सेंटर फिंगर किधर जा रही है, सेंटर फिंगर डाउनवर्ड जा रही है, सॉरी ये अपना फोर फिंगर डाउनवर्ड जा रही है। मैं फिर से बताता हूँ, सेंटर फिंगर मेरी तरफ है, आई रिपीट सेंटर फिंगर मेरी तरफ है, थंब जो कि फोर्स की डायरेक्शन देता है, सेंटर फिंगर मेरी तरफ है मतलब करंट मेरी तरफ है, और थंब जो कि फोर्स की डायरेक्शन देता है वो राइट साइड पे गया है। तो फोर फिंगर कहाँ गई है, डाउनवर्ड गई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, राइट। तो इसका आंसर जो है वो डाउनवर्ड है। क्लास ये तो दो सैम्पल प्रॉब्लम थी, ये एनसीईआरटी में भी दोनों की मना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 24 से 36 लखबीर सिंह, आई रिपीट पेज नंबर 92 24 से 36 लखबीर सिंह आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बताइए। थैंक यू।